यूपी के मऊ जिले से आए दिन छेड़छाड़ और मारपीट की खबरें देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी यूपी की सरकार इन सब मामलों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि एक बार फिर यूपी के मऊ जिले से बाइक चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मऊ जिले में काफी समय से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और वहाँ के लोग इस बात से काफी परेशान भी थे। अपनी बातचीत के दौरान लोगों ने कहा कि बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए वो हमेशा अपने बाइक को पार्किंग में लगाते थे, लेकिन उसके बाद भी वो काफी डरे सहमे रहते थे। वहीं पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद भी बाइक चोरों को नहीं पकड़ पा रही थी, लेकिन इस बार पुलिस ने एक बाइक चोर को पकड़कर राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि यह बाइक चोर बाइक को चोरी कर बेचता नहीं था, ना ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था, बल्कि यह बाइकों की चोरी कर उसके पार्ट पुर्जों का कारोबार करता था। क्योंकि यह बाइक चोर पैसे से बाइक मैकेनिक है और कम समय में अच्छा पैसा कमाने के लिए बाइकों को चुराता था और उसके पार्ट पुर्जों को ग्राहकों को बेच देता था। दरअसल बाइक चोरी की घटनाओं से हैरान परेशान मऊ पुलिस के मुखबिरों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल मैकेनिक बाइक को चुराकर उसके पार्ट पुर्जों को बेच रहा है। नगर कोतवाली पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वो तुरंत ही संतोष चौहान युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 बाइक और 2 बाइक के इंजन और पार्ट पुर्जों को बरामद किया, साथ ही संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भी भेज दिया है। कितनी गाड़ी अभी तक चुरा ली? 7 गाड़ी। 7? क्या करते थे गाड़ियों का? गाड़ी के जो है ना कि पार्ट खोल खोल के अपना दूसरे गाड़ी में लगाते थे, चेंज करते थे। कितने पैसे मिलते थे उसका? वही 2-4-5 हज़ार। जी थाना क्षेत्र के गांव मछरिया के रहने वाले संतोष चौहान, जो कि मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और मोटरसाइकिल चोरी पार्ट पुर्जों को बेचते हैं, पार्ट्स में डील करते हैं, इनको आज 5 अदद चोरी की गई मोटरसाइकिलें और कुछ मोटरसाइकिलों के पुर्जों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहुत अच्छा काम हुआ है। कितनी संख्या में बाइकें हैं? 5 बाइक हैं और 3 बाइक के पार्ट हैं। अभी फिलहाल इन्होंने पूछताछ में किसी और साथी का नाम नहीं बताया है, जब अग्रिम विवेचना में जो भी आएगा उसकी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।